क्या इसराइल अकेले सीरिया, लेबनान और मिस्र से निपट सकता है? ये जानने के लिए जरूरी है कि आप इसराइल की ताकत को भी समझें। रिपोर्ट देखिए। इसराइल के खिलाफ इन देशों के पास वो कौन से हथियार हैं जिन पर इन देशों को भरोसा है? लेकिन उसके पहले इसराइल की सैनिक ताकत, खासकर मिलिट्री कैपेसिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमास पर इसराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। इसराइल ने बेहतरीन तकनीक वाले हथियारों के बल पर हमास पर वर्चस्व की पूरी तैयारी कर ली है। इसराइल की सेना के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन पर न तो गोली का असर होता है और न ही बम का। ये किसी भी रास्ते चल सकते हैं, कच्चे हों या पक्के, पानी वाले हों या फिर बालू के टीले हों, और इन्हीं हथियारों के बल पर हमास को खत्म करने की पूरी तैयारी है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास कुल सैन्य बल 6.46 लाख है। इनमें से इसराइल के पास 1.73 लाख एक्टिव मिलिट्री है, जबकि 4.65 लाख रिजर्व सैनिक है, 8,000 पैरामिलिट्री के जवान है। इसराइल का एक रूल है जिसके कारण हर इजरायली सिपाही है। असल में इसराइल में 18 साल के किसी भी युवक को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है, जो कि 2 सालों की होती है। वहीं महिलाओं के लिए भी मिलिट्री सेवा जरूरी है, लेकिन उनके लिए 2.5 साल की ट्रेनिंग का नियम है। इसराइल की जो आबादी है उनमें से 31.11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी समय मिलिट्री सर्विस में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 1.24 लाख से ज्यादा लोग मिलिट्री में शामिल होने वाली उम्र में पहुंच गए हैं, मतलब 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है। है ना दिलचस्प? युद्ध के वक्त देश के भीतर यही ट्रेंड नागरिक किसी भी देश को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर सकते हैं। वैसे भी इसराइल 32 दांतों के बीच अरब की जमीन पर जुबान सी है, लेकिन इसराइल टिका हुआ ही नहीं है, अपने खिलाफ उठे हर हाथ को काट रहा है। असल में इसराइल का अस्तित्व तो ही उसकी ताकत पर टिका है। अरब की धरती पर मजबूती से पांव जमाए खड़ा इसराइल को 2 बार उखाड़ फेंकने की कोशिश हुई, लेकिन दोनों ही बार इसराइल ने दुश्मनों को मात दे दी और हर लड़ाई से इसराइल की मिलिट्री पावर मजबूत होती गई। आज की तारीख में अरब में इसराइल के सामने अकेले कोई देश नहीं टिक सकता। जिस आर्मी पर इसराइल को गुमान है, उस आर्मी को इसराइल ने किन हथियारों से लैस किया है? इसराइल के पास 2,200 से ज्यादा टैंक हैं। इसराइल की चौकसी देखिए, इन टैंकों में से 1,760 हमेशा रेडी रहते हैं। इसराइल की युद्ध वाहन की कुल संख्या की बात करें तो इनके पास कुल मिलाकर 56,290 गाड़ियां हैं, जिनमें से 45,000 से ज्यादा हर समय इस्तेमाल में होती हैं। 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, इनमें से 520 सीमाओं पर तैनात रहती हैं। टोटल आर्टिलरी यानी खींच कर ले जाने वाली तोप 300 हैं। 240 तोप हमेशा तैयार रहती हैं। MLRS यानी मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 300 है। 240 से इस समय गाजा पर हमला किया जा रहा है। इसराइल के इस मिलिट्री पावर को इसराइल के एयरफोर्स और नेवी की ताकत के साथ जोड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसराइल मध्य पूर्व का सबसे मजबूत देश क्यों कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि अरबों के बीच बसे इसराइल को कोई दुश्मन हिला भी नहीं सकता है, बशर्ते 7 अक्टूबर की तरह फिर भी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल ना हो। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF को रिस्पॉन्ड करने में 3 घंटे नहीं लगे। इसराइल से चूक हुई है, लेकिन हमास ने उससे भी बड़ी चूक कर दी है।